हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते इट्स मी ज़िदान मेरी जान वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़िदान शहतरी होप यू आर डूइंग गुड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो ज़िदान कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मम, थैंक यू सो मच। तो रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट देख लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिजल्ट बताएंगे, और रिजल्ट के बाद जो मिलेगा वो भी बताएंगे। हाँ वो सब तो भी बात की बात है। तो पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज्यादा टेंशन था कि क्या होगा कैसे होगा। 12th मतलब बोर्ड होता है और उसकी पढ़ाई तो और मेरे ना मिक्स्ड इमोशंस थे जब चेक कर रहे थे रिजल्ट। मुझे खुशी भी हो रही थी, डर भी लग रहा था, नर्वस भी था, सब ना। हाँ तो हम लोग शूट कर पाए उसको, आप लोग के साथ सॉरी शेयर नहीं कर पाए, पर आप लोग समझ सकते हो कि हम पे कितना प्रेशर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे नंबर आए। मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं खुश। तो अभी जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, चलो आप लोग भी साथ में। हाँ, तो चल जिदन ऊपर देखो, ऊपर आप लोग को देखी मैंगो मैंगो। हाँ दिखा उधर। हाँ अच्छे है क्या? कितने बड़े बड़े आम है। कैरी कैरी पंडित के कामयाब कीजिए। देखा देखा क्या हुआ भाई? पानी खत्म हो गया। फ्रूटी भी है तो जरा। हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ना क्यों। अभी अभी पता चला आपको पता मिल रहा है ना। अच्छा थोड़ा समझ आ गया, चलो देखते हैं। Congratulations on your HSC examinations. Thank you. Store is yours. जो लेना है ले सकते हो। 30 seconds का time है हमारे पास। The time starts now. Thanks. जितना time लगेगा। नहीं 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 � कांग्रेचुलेशन जिदान। इसको इसको इमारत में क्या बोलते मालूम है? सैमसंग। थैंक यू दीदी। क्योंकि ये लेटेस्ट है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आगे बताएंगे। अभी बता देते हैं कि इसका अमेजिंग फीचर AI। चलो हम बाद में बताएंगे ना जरा सारे फीचर्स। ऐसे बड़ा ही प्यारा फोन है, दिखने में तो बहुत कुछ ये
हमने कार्ड रिफिल करवा दिया है जिदान वाला के पास से हमारा गिफ्ट वो तुम कभी भी यूज कर सकते हो। ऑर्डर मिल चुका है लेट और हमें मिल रही है फ्री। बहुत इंजॉय किया हमने। थैंक यू जिदान, वेलकम मामा, पूरा दिन अच्छा बनाने के लिए वेलकम है ना। और थैंक यू तुमको भी, वेलकम। चल अभी चल रहे घर और आगे का सेलिब्रेशन बाकी है। क्योंकि फन जोन तो हमेशा हम लोग आते हैं वैसे एंजॉय करना। हाँ। बहुत सारे सबको हम लोग अपने साथ भी लेके जा रहे हैं। तो अभी हम हमारे ले जाएंगे प्यारा सा केक लेंगे। चलो केक, ठीक है चलो। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं। और अभी क्या करेंगे? अरे अभी रिवील कर दो, कब से बेकरार बैठे हैं हम लोग। हम लोग को जानना है कि जिदान का परसेंटेज कितना आया है। तुमने कैसे किए वो तो बताओ। तुम्हारे जो नन्हे नन्हे फैन है जो इतने खुशी खुशी तुमसे आके मिलते, तो ये बताओ कि तुम अपनी सोशल मीडिया और अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज कैसे करते हो, वो जानना चाहते हैं सब लोग। मैं मालूम कैसे मैनेज करता हूँ, मेरा ये थिंकिंग है कि जो चीज करे ना उस वक्त वही चीज बस। अभी जैसे वीडियो बना रहे तो वीलॉग बस, पढ़ाई के वक्त पे पढ़ाई और कुछ नहीं, तो हो जाती है। मिक्सअप नहीं करना यार चीजों को, एक ही चीज पे फोकस करने और टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। ये जो पढ़ाई है ये सीखने की चीज है हमारे लिए, तो हम टेंशन लेके क्यों, अरे अभी पढ़ना है अभी जाके एग्जाम देना है। हम अगर उस तरीके से सोचेंगे ना कि हमें नई नई चीजें सीखना है तो मजा आएगा पढ़ने में। यस हां बिल्कुल, अपने इंटरेस्ट की चीज है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल जिदान बराबर वीडियोस भी डालता था। एग्जाम थे तो भी जिदान ही वीडियो को पोस्टिंग करना, सब चीजों को मैनेज करना है ना, जिदान ही मैनेज करता। पढ़ाई भी हुई माशाल्लाह बिना कोचिंग क्लासेस के। जिदान की जितनी भी सारी टीचर्स है शुक्रिया कि आप लोग इतना अच्छा पढ़ाते हो। मतलब मैं जिदान को हमेशा बोलती थी जब नर्सरी से जिदान जाता है स्कूल सामने जिदान कि मम्मा तो है ही, मम्मा पापा घर में पढ़ाते हैं सब कुछ सिखाते हैं, पर तुम्हारी दूसरी मम्मी तुम्हारी टीचर है जिदान है ना, तो टीचर डांटी देगी कुछ बोलेगी चिल्लाएगी तो बुरा नहीं मानने का, हमें अच्छे के लिए सिखाते हैं वो। हाँ। तो जो भी सिखाया लेकिन मेरे साथ तो नौबत नहीं आती। हाँ नहीं मतलब जब मैं कुछ कर देंगे मतलब टीचर लोग बहुत प्यार करते हैं। हाँ मतलब फील एट होम है उसके लिए, कॉलेज भी फील एट होम है उसको, ऐसा लगता ही नहीं कि वो कॉलेज में है, उसको कॉलेज भी घर जैसे लगता है। क्योंकि कहते हैं ना कि पेरेंट्स आर फर्स्ट टीचर एंड टीचर्स आर सेकंड पेरेंट। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल पेरेंट की तरह ही प्यार करते हो जिदान से सामिया से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। बहुत बहुत आप लोगों को ब्लेसिंग्स है, मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार है आप लोगों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड गाइडेंस। पहले तो हम सोशल मीडिया पे नहीं थे तब भी जिदान को इतना ही प्यार करते थे सामने जिदान को सारे टीचर्स। यस और इनके पापा तो सबके फेवरेट है ना, हम लोग के साथ साथ पापा भी फेवरेट थे सबके। और ये जो सोशल मीडिया मतलब हमारी जिंदगी में आया और आप सब लोग हमारे इतनी बड़ी फैमिली बने, तो मतलब अभी तो डबल हो गया प्यार तो है। मतलब हर जगह स्वीट स्वीट तीखा भी खाओ ना तो स्वीट लगता है। हां सादा हो गया, ओवरवेलमिंग हो गया। तो थैंक यू सो मच सबका दिल से। मम्मा सिर्फ सामिया से एक ही बात करती थी, कितना लिख रहा होगा ना सिद्धांत, सिद्धांत अभी लिख रहा होगा ना। और मैं ये सोच रहा था कि मम्मा सोच रहे होंगे मैं थक गया अभी लिख रहा हूं क्या होगा ना। तो मतलब समझिए हम लोग की भी जो हम लोग की जो हालत है, ये जो हम लोग जो बता रहे हैं ना, ये सिर्फ मैं अपनी हालत नहीं बता रहा हूँ, सारे पेरेंट्स की हालत बता रहा हूँ।
तो हम लोग सबकी भी वही हालत होती है, हम लोग सब भी जितने बच्चे परेशान रहते हैं उतने माँ बाप भी परेशान रहते हैं आई एम श्योर। बच्चे लोग की मेहनत है, माँ बाप की दुआएं हैं और ऊपर वाले का कर्म है, तब जाके इतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, इतनी आप लोगों ने दुआएं दिए, एक छोटा सा फोटो ही पोस्ट किए हमने उसके ऊपर इतनी दुआएं आ गई आप लोगों की, उसमें तो रिवील तो नहीं किया हम लोग ने परसेंटेज, तो बस अभी परसेंटेज रिवील करने हम जा रहे हैं। पेश किया जाए जिदान का परसेंटेज वाला के दिख रहा है ना, अभी भी नहीं दिख रहा है, तो जिदान कर दो रिवील ठीक है, गो फॉर इट, कम ऑन। खुश रहो, वेल डन बेटे, वेल डन, प्राउड ऑफ यू, अच्छे वेल डन। परसेंटेज नहीं है, सब कुछ नहीं था, मेहनत करो मेहनत का फल जरूर मिलेगा, और ये है मेरी मेहनत का फल। हम लोग बहुत खुश है बेटा, बहुत अच्छा परसेंटेज है, बहुत खुश है। सबसे पहले जब हम चेक कर रहे थे, चेक करते साथ सबसे पहले जब तुम्हारा वो पेज आया, मैंने जब वो परसेंटेज देखा तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। सबसे पहले अल्फाज मेरे दिल से तो ये निकला था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जिदान ने जो इतनी मेहनत किया उसका फल तूने दिया मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र। मैंने जिदान को एक ही बात बोली हूँ, आज से नहीं, 12th हो गया, इतने इतने से आए थे यार, इतने बड़े हो गए माशाल्लाह देखो, लेकिन मम्मा को देखता हूँ वैसी लगती है, मगर वो देखती है मैं वैसी लगता हूँ, तो मतलब तुम भी इतने बड़े हो गए तो लगता ही नहीं है यार, है जी ऐसी बोलते ना। अच्छा वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, पास हो रहा है तो क्या? जितने भी बच्चे ने एग्जाम दिया है और सबका रिजल्ट आया, तो हमारी पूरी फैमिली की तरफ से सबको कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा काम, वेल डन बच्चों, वेल डन, खुश रहो, आगे बढ़ो, और आगे जो करना है आप लोगों को दिल से करो, और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, जिस फील्ड में भी आप लोग जा रहे हो उस फील्ड में आपको कामयाबी मिले, ये हम लोग दिल से दुआ करेंगे आप लोगों की। बिल्कुल, किसी भी चीज के लिए घबराने का नहीं, कभी भी ऐसा डर लगे दिल पर हाथ रखने और कहने का ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज वेल मैक्सिमम। अरे चलो फिर जल्दी से चलो, केक कटिंग करो, अब काटो। हाँ लेकिन मुझे इसके बारे में भी कुछ कहना है। ओके, ये जो स्पार्क कैंडल लगाते हैं ना, ये स्ट्रेट लगा देते हैं ना, ऐसा ऐसा मत लगाया करो, तो क्योंकि जब वो स्पार्क होता है ना तो उसके एशेस जो है वो केक में आगे गिरते हैं, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर मानो क्या करने का, फिर भी लगाने का, कैसा अगर लगाना है तो ऐसा टेढ़ा, जो एशेज है ना वो प्लेट में गिरेगी या टेबल में गिरेगी और केक से। तो कमेंट में जरूर बताना इसकी ये बातों से आपको क्या लग रहा है कि आगे जिदान कौन सी स्ट्रीम लेने वाला है, 12th के बाद, आफ्टर 12th,
लेट्स सी, चलो लगाइए इसको ऐसा रखिए। हाँ ओके God bless Zidane, wo ho. जो मैं खाऊं, जो मेरे को खिला दो, ठीक है? माशाल्लाह केक भी एकदम सॉफ्ट है, बहुत अच्छा केक है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिलाइट। ये था सितान का परसेंटेज रिवीलिंग वीलॉग। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू ज़िदान YouTube चैनल और ऐसे ही प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच, आप सब लोग इतना कांग्रेचुलेशन बोल रहे हो, शुक्रिया। हाँ आप लोग ऑलरेडी इतना सब कांग्रेचुलेट कर रहे होगे ना कमेंट में, उसके लिए दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। और जब तक अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना। बाय एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, कीप स्माइलिंग। Khuda hafiz, congratulations Zidane once again. Thank congratulations, you. Keep shining. Like a star. Shining star. Yeah, khush raho, khush raho. Chamakte raho. And keep rocking like a chamakte star. Chamakte raho. Amen. Ek minute. Maximum. Chalo, bye bye, khuda hafiz, bahut bahut shukriya. Itne pyar. Bye, random girl. It's me, Zidane. YouTube family. Ciao. Alas. Bye-bye.